गाड़ी की सीट्स वगैरह भी रेडी हैं, रूफ लाइनर आ गया, मतलब इसकी अब मंजाई वगैरह होगी। फिलहाल गाड़ी के मैप सेंसर को चेक किया जा रहा है। ये साहब जी, ये जांच करने स्टार्ट हो गया। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, उसका मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होंगे। बिल्कुल सही। चले, जो काम होना था खराब वो तो हो गया, कोई नहीं मसला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब लोग हैर हैरियत होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाड़ी क्या हाल है चेक कर सकते हैं, फुल खुली हुई है इस टाइम, और इस टाइम मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ। अब लाहौर के अंदर क्या करना है, लाहौर के अंदर काफ़ी काम है, पर आज की डेट के अंदर हमने दो तीन काम करने हैं जो कि आपको दिखाते हैं। अभी सीधा निकलते हैं इमरान कोशिश वाले के पास, उसे सीटें वगैरह लेनी है। सीटें फिट तो नहीं करवानी क्योंकि गाड़ी मैंने जाके इसकी रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह स्टार्ट कर देनी है, तो सीटें बस पकड़नी है। और ड्राइविंग सीट आपको पता मैंने दी नहीं थी, तो ये वाली कोशिश के लिए देनी है। रूफ लाइनर लगवाते हैं, रूफ लाइनर लगवा लेंगे, और इसका ये जो सनरूफ का जो शेड है इसके ऊपर भी ब्लैक कलर का कपड़ा लगवाना है। और उसके अलावा कारीगर रेस्टोरेंट्स पर जाना है, कुछ सस्पेंशन की कसाई वगैरह करनी है, ब्रेक के अंदर इशू है वो क्लियर करवाना है। ब्रेक की आई थिंक ब्लीडिंग वगैरह, जो एयर है वो प्रॉपर तरीके से निकली नहीं, पैडल बड़ा नीचे जाके काम करता है। बाकी हमारी गाड़ी की हैंड ब्रेक भी नहीं काम कर रही है। बाकी हैंड ब्रेक की आपको पता है तार नहीं मिली, वो भी जब हम पिंडी गए थे वहां से मिल गई थी, ये लगवानी है। और इसके अलावा हमारे जो रेयर व्हील हब है वो भी चेंज होनी थी, वो भी नीचे तब करवाई, तो वो भी मैंने साथ ले ली हुई है, वो भी इंशाल्लाह चेंज करवा लेंगे। बाकी गाड़ी हमारी इंशाल्लाह आज हो जाएगी फिट। बाकी आप चेक कर सकते हैं डोर कार्ड्स वगैरह बिल्कुल नंगी हुई है इस टाइम का। अच्छा, डोर कार्ड्स के साथ क्या करना है, वो भी इमरान भाई के पास पड़े हुए हैं, उनके पास मैंने पहुंचा दिए थे। बाकी वो भी आपको जाके बताते हैं डोर कार्ड्स के साथ क्या करना है। तो बिना वक्त जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं सीधा इमरान भाई के पास। और गाड़ी के अंदर एसी भी नहीं है और शदीद गर्मी है इस टाइम। बाकी खैर एसी का भी कुछ करना है, लाहौर आए हैं, इंशाल्लाह एसी का भी कुछ करके जाएंगे। अभी मैं एक दो दिन इधर ही हूँ, तो निकलते हैं सीधा इमरान भाई के पास। ले जी, इमरान भाई के पास पहुंच चुके हैं, और आपको डोर कार्ड्स की अपडेट दूं। इमरान भाई कह रहे हैं कि आज इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे, इंशाल्लाह कल तक हमारे डोर कार्ड्स रेडी हो जाएंगे। डोर कार्ड बेसिकली मैं न्यू ढूंढना चाह रहा था, मिलने थे उस तरह के मर्जी के, इस वजह से इसकी इमरान भाई कम्प्लीट होगी ये ना, इसको पहले उतार देंगे हम सारा मुकम्मल, ठीक है, उतार के इसको ड्रोन तैयार करेंगे, फिर इसके ऊपर जर्मन तरीके से लगाएंगे, इसी तरह फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर जो मटेरियल लगाना है वो वाला दिखाएं कौन सा, ये दाना ओरिजिनल कंपनी दाना, बेहतरीन हो गया। बाकी तसल्ली से काम करें, कल तक हो जाए, कल दोपहर तक हो जाए, पर यह है कि काम अच्छा हो जाना चाहिए। डोर कार्ड्स मैंने इन तक पहुंचा दिए थे, ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं। इन सारों को तैयार करने लगे हैं क्योंकि डोर कार्ड्स हमें नए मिल नहीं रहे, जो मिल रहे थे उनकी कीमत नहीं समझ लग रही, मतलब 45-50 हज़ार के डोर कार्ड थे, और वो भी इतने साफ सुथरे नहीं थे। बाकी सीट्स वगैरह गाड़ी की रेडी हो गई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, और रूफ लाइनर भी रेडी हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल है, बहरहाल हम अब इंशाल्लाह ओरिजिनल से भी अच्छा काम करेंगे। और ये जो कपड़ा लगा हुआ है इधर भी मैं इंशाल्लाह लेदर का ही कपड़ा लगाऊंगा, ठीक है इमरान भाई, इसके ऊपर भी लेदर का ही कपड़ा लगाना है एक जगह पर। गाड़ी की सीट्स वगैरह भी रेडी हैं, इन्होंने ऊपर लेमिनेशन कर दिए, चले अच्छा हो गया कर दिया, क्योंकि जाके मैंने गाड़ी खोलनी है और आपको पता है फिर गंदी वगैरह हो जाती है। बहरहाल काम बड़ा मजे का हो गया, चेकअप कर सकते हैं, जिस तरह एक बकेट सीट्स की तरह होती है ना, जिस तरह मैंने मार्क लगा के बनवाई थी सेम उसी तरह ही है। पहले सीट की आप हालत चेक कर सकते हैं किस तरह की थी, और आप देखें कि बिल्कुल एक प्रॉपर अपनी शेप के अंदर सीट आ गई। और फ्रंट वाली सीट ये है, ये भी बड़ी प्रॉपर रेडी हो गई है, चेकअप कर सकते हैं। लेमिनेशन अभी मैं उतार नहीं रहा, जब इंशाल्लाह उतारूंगा फिर आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। इसी नहीं उतार रहा, मैंने आपको फिर बताया कि गाड़ी का काम स्टार्ट करना है, जाके मैंने सारी चीज़ें रखी देनी है, तो चले जितनी देर बच जाएंगी उतनी देर बेहतर है, अदरवाइज सीटें गंदी बहुत जल्दी होती हैं। अंदर वाली सीट निकाल लेते हैं, दूसरी तब तक रख देते हैं, इंशाल्लाह कल तक ये वाली सीट भी हमारी रेडी हो जाएगी। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये बैक सीट है, ये आर्मरेस्ट आ गया बीच में, अब बड़ी बेहतरीन हो गया काम, माशाल्लाह खूबसूरत। बाकी गाड़ी के ऊपर लगेगी तो निहायत ही खूबसूरत लगेगी। इस दफ़ा थोड़ा हमने चेंज कर लिया था प्लान, ब्लैक के अंदर नहीं, थोड़ा ग्रे ग्रे के अंदर किया है, और ये बड़ा अच्छा हमने क्वालिटी का जो कपड़ा यूज़ किया है, लेदर पानी संग्रह लेते हैं, और इस पर जब पॉलिश लगाएंगे ये ब्लैक ही हो जाएगा, ये डार्क ग्रे और ब्लैक का दोनों। मैंने सोचा पहले मार्क लगो वो ब्लैक ही है, तो चले इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, जुबानी है मटेरियल भी जुबानी लगाया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। इमरान भाई वो वाली सीट निकालें,
और मुझे वो वाली सीट फिलहाल रख दें, ये वाली सीटें भी रखी हैं, ये आपसे मैं इंशाल्लाह कल ले जाऊंगा, क्योंकि डोर कार्ड्स के साथ साथ ये सीटें भी कल ले जाऊंगा, और उसके साथ वो जो सीट अंदर से निकालनी है वो भी कल तक रेडी। इसकी फिनिशिंग का मुझे इंतजार है कि ये किस तरह का लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। चले चले इमरान भाई तो ये कह रहे हैं, बाकी कल आपको दिखाते हैं कि क्या सीन होता है आगे। और लास्ट में रूफ लाइनर आ गया, और चेकअप कर सकते हैं कि रूफ लाइनर की फिनिशिंग किस तरह की आई है। इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर का करवाया था, इसका जो ओरिजिनल था वो भी ठीक ही था, पर मैंने सोचा कि इसको ब्लैक करवाते हैं, क्योंकि मैंने मार्क लगा कर करवाया था और बड़ी चस्क करवाता है, और गाड़ी के अंदर लगा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है, तो इसलिए खूबसूरत बड़ा, कोई एक भी सिल्वर्ट नहीं। और जो सनरूफ वाला पैड है वो कह रहे हैं अंदर ही इसको ब्लैक कर लेंगे, बाकी ये भी बेहतरीन काम होगा, बिल्कुल जीरो मीटर हो गया। ले जी डोर कार्ड्स के ऊपर से जितना भी कपड़ा शपड़ा था वो उतार दिया, और चेकअप कर सकते हैं, बिल्कुल गंजे कर दिए नीचे से। अब इसकी भी रगड़ाई वगैरह होनी है, ये नहीं कि इसके ऊपर लगनी है, मतलब इसकी अब मंजाई वगैरह होगी, इसका अनइवन एरिया जितना भी है वो सारा क्लियर किया जाएगा, और फिर इसके ऊपर दोबारा जब सारा क्लियर कर लिया जाएगा उसके बाद जाके इसके ऊपर कपड़ा लगाया जाएगा। ये इसका पुराना है, ये चेकअप कर सकते हैं जो ओरिजिनल है, और ये इसकी भी अभी रगड़ाई वगैरह होगी, इसके बाद फिर इसके ऊपर लगाया जाएगा। ये चेक कर सकते हैं, ये हल्के हल्के टक हैं, ये सारे टक शक क्लियर किए जाएंगे, और टक शक क्लियर करने के बाद जब सारा सरफेस क्लियर होगा फिर इसके ऊपर जो नया वाला लेदर है वो लगाया जाएगा। फिर भी सीटें वगैरह थी वो इमरान भाई को दे दी हैं, डोर कार्ड्स वगैरह भी आपको मैंने दिखा दी हैं, इंशाल्लाह कल मैं आपको कंप्लीट गाड़ी की लुक दिखाऊंगा डोर कार्ड्स की और साथ में सीट्स की। बाकी हम निकलते हैं सीधा कारीगर रेस्टोरेंट, आगे का सीन आपको चल के दिखाते हैं, गाड़ी के मैप सेंसर के अंदर भी इशू आया हुआ है वो भी आपको चल के आप वर्कशॉप के अंदर दिखाते हैं, तो हम निकलते हैं सीधा कारीगर रेस्टोरेंट। ब्रो बस मैं इधर एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी एसी की आदत ना डालना। अच्छा, अगर एसी की आदत अगर आपने डाल ली अपने आप को तो फिर हाल आपका वही होगा जो इस टाइम मेरा हो। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है और अजीब ही हालत हुई हुई है, और फाइनली जी वर्कशॉप पर हम पहुंच चुके हैं, फाइनली गर्मी से कोई थोड़ी जान छूटेगी, अंदर जाके बैठते हैं पंखे के नीचे, देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है, लियास आया हुआ है या नहीं आया, देखते हैं कि क्या सीन है। One eternity later. ले ब्रदर वर्कशॉप तो आ गए हैं, वर्कशॉप पर काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि मैं कॉल करके नहीं आया, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। फिलहाल गाड़ी के मैप सेंसर को चेक किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी काला धुआं फिर से मार रही है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रही है, इस वजह से कुछ चेक कर रहे हैं कि वायरिंग के अंदर इशू है या मैप सेंसर का ही इशू है। जो भी होता है फिर आपको दिखाते हैं आगे कि क्या सीन होता है, और मैं दुआ करता हूँ कि बाकी जो हमारी हब शब चेंज हमने करवानी थी, हैंड ब्रेक की तार डलवानी थी, वो भी आज की डेट के अंदर ही इंशाल्लाह हो जाए काम। Many minutes later. ब्रो ने मसला तो फिक्स किया है, पर सिलेंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मोक है, बाकी गाड़ी कुछ चलेगी तो पता चलेगा, वायरिंग के अंदर इशू था, कह रहा था ग्रिप वगैरह का इशू था मैप सेंसर, बाकी गाड़ी चलेगी तो मज़ीद पता चलेगा फ्यूल एवरेज भी गाड़ी की बेहतर हुई है या नहीं। ये मुझे पहली दफ़ा कारीगर रेस्टोरेंट्स पर आके वेट करना पड़ा, वेट करने की वजह मेरी अपनी है क्योंकि इन्फॉर्म किए बगैर आए हूँ, और गाड़ियों का रश यहाँ बेतहाशा लगा हुआ है, फिर भी वो काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, अभी इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ है, अब हब्स वगैरह चेंज करने लगे हैं, हैंड ब्रेक की तार डालने लगे हैं, उसके बाद फिर सस्पेंशन की कसाई वगैरह होगी और फिर इंशाल्लाह हमारी गाड़ी रेडी टू गो होगी। तो ट्राई पर निकलते हैं और फिर बाकी आगे का सीन आपको दिखाते हैं, क्लियर हो जानी आगे इंशाल्लाह गाड़ी, बाकी दुआ कर दो कि वो जो मैप सेंसर वाला इशू था वो रिजॉल्व हो गया। वो फिलहाल अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सिलेंसर फुल ब्लैक हुआ हुआ है हमारा, मतलब अंदर से फुल काला हुआ हुआ है, एटलीस्ट गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर चलेगी, अंदर से जितना भी स्मोक वगैरह वो जल के बाहर निकलेगा, फिर क्लियर पता चलना है कि गाड़ी क्लियर हुई है या नहीं हुई। खैर फ्यूल से भी पता चल जाएगा आते हुए, गाड़ी ने पेट्रोल अच्छा खासा खाया है, तो भी मैं गाड़ी के अंदर निकल के फ्यूल थोड़ा डलवाता हूँ और फिर चला के लाहौर के अंदर ही देखता हूँ कि क्या सीन पार्ट है। इसने व्हील्स वगैरह ओपन होते हैं तो आपको हब की कंडीशन दिखाता हूँ, पिछला बैरिंग मुझे लगता है अंदर ही टूट गया हुआ है, पीछे बड़ी गंदी आवाज़ आ रही है गाड़ी चलती हुई। खैर ओपन होता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। आपकी क्या कंडीशन हुई है जरा घुमाए सलीम जी। देखो भाई ये साहब जी, ये जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया एक सीन से, और ठीक हो गया, इसलिए तो चेंज कर रहा हूँ मैं, और शो किया तो नहीं चेंज करनी, आवाज़ बहुत ज़्यादा है बैरिंग की। हाँ जी, ये अब चेंज हो गई तार से, ये लेके आए जी, जो ये आप चेक कर सकते हैं। ओए सलीम यार ये देखो ठीक है यार, लग तेरे शक्ल से तो ठीक लग रही है।
गए अंदर से देखेंगे भाई, ठीक हो गया। चले इसको खोले निकाल लें बाहर। ले जी ग्रीसिंग वगैरह करके अब न्यू हब जो है वो लगाने तो लगे हैं। बाकी अब दुआ करते हैं कि कोई मसला मसाइल ना हो, क्योंकि बड़ा इशू आता है मैचिंग के अंदर भी। लेके तो वैसे मैं इसी गाड़ी की आई हूँ, बाकी लगा के चेक तो करते हैं। ये नहीं लगेगी लिहाजा ये आप चेंज करवा लें। ये देखें जी सलीम मेरे पर हंस रहा है और अपनी कुछ किस्मत इस तरह की है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਵਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਦੇਖਾ ਆਪਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੇ ਔਰ ਉਹ ਗਾੜੀ ਕੋ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਕਾ। ਮੈਨੇ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਥੇ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲਗਵਾ ਲੈਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਥੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਏ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਏ ਥੇ, खुलवा के ना फिर बेच के लेना चाहिए था। मैंने जिस दिन मैंने परचेज किया ना सियालकोट से, मैं उनको दो दफ़ा कहा मैं कहा यार ये लग जाएंगे इस गाड़ी को लग जाएंगे, मैंने कहा लग जाएंगे 100% लग जाएंगे। वही फ़र्क आया ना, वो थोड़ा सा बैरिंग उसका साइज़ छोटा है और जो गाड़ी का था वो थोड़ा साइज़ बड़ा है, वो लग नहीं सकता। ऑल्ट्रेशन करके लग तो जाता है पर हम क्यों पंगा लें। अब फिलहाल ये करने लगे हैं कि मैंने भेजा इरफान को यहाँ से इसकी न्यू बेले ने, बाकी वाली जाके फिर बंदे को वापस करवाएंगे। हुआ तो कुछ नहीं, बस खुआरी के अलावा और कुछ नहीं हुआ। ये सीन हुआ है। बाकी अब वो तारे वगैरह जो हम पिंडी से लेके आए थे ना उसकी हैंड ब्रेक की, वो सलीम कह रहा है कि अब पता नहीं ये वाली भी लगती है या नहीं लगती। ये तारे नाना लगी तो ये वापस नहीं हो रही, ये हमने 5000 की ली थी वहाँ पे पिंडी से, मुझे अभी भी याद है शाहिद आटो से। तो बाकी अब देखते हैं, दुआ करते हैं ये लग जाए। ले जी एक और बैड न्यूज़ सुन लें, वो ये है कि हैंड ब्रेक के पीछे ना एक एडजस्टर लगा होता है जिसके साथ आप अपनी हैंड ब्रेक को टाइट और लूज कर सकते हैं, तो इसका वो भी मिसिंग है। तारे तो बाद की बात है, वो वाला पहले पीस होगा तो तारे लगेंगी। अच्छा होता कुछ इस तरह का है पर ये वाला नहीं लगना, ये तार वाला होता है जैसे इसमें, हाँ इसके अंदर ये आगे तार लगती है और इसके आगे वो एडजस्टर लगा होता है जिसके साथ आप लूज कर सकते हैं, इसी तरह का ही होता है। हाँ जी एक इसकी पीक ले लो जी आने हैं आप। चलें जो काम होना था ख़राब वो तो हो गया, कोई नहीं मसला, वो गया हुआ है इरफान सामान वगैरह लेने। तब तक मैंने सलीम को कहा है कि इसकी जो हैंड ब्रेक की तारें वगैरह वो तो अंदर करे ना गाड़ी के अंदर वगैरह करे और यहाँ से कनेक्ट करे, बाकी का सीन देखते हैं कि क्या होता है। बाकी यार सलीम मुझे अब कोई बुरी खबर ना सुनाना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बूट रही है, ये देख लो बूट होते हैं केबलों के अंदर लगे होते हैं, मुझे लग रहा है ये किसी। यार ये सलीम जिंदा ने थोड़ा सा दिमाग ही लग गया, हिल गया ना गड्डी देख के हिल गया। मुझे कहता है नहीं है इसकी, पर अब निकला बाहर कहता है बूट नहीं साइड पर, मैं कहता तार उल्टी पकड़ी हुई है, इसका जो बूट है वो ये है ब्रो। ओके ओके सर ये है बूट, चलो यार ये लगा दो अब बगैर किसी रोले के। many minutes later फाइनली जी हब आ चुकी है, अब इसके ऊपर लगाते हैं। अब तो लगेगी क्योंकि हम सैंपल लेके गए थे, चलें ऊपर लगाएं यार। ये देखो ये सैंपल कैसा जाता है। लो ओए ओके many hours later ले बॉयज गाड़ी क्लियर करवाते मुझे रात हो गई है, बाकी गाड़ी चलने के अंदर मक्खन मलाई की तरह हो गई है। पीछे वाले जो बैरिंग थे वो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे थे, मतलब वो डलवाने के साथ ना गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंट हो गई है। अब बस गाड़ी के अंदर शोर रह गया है तो गाड़ी स्पेप है जिस वजह से चीज़ें खड़कती हैं, बाकी उसके अलावा गाड़ी चलने के अंदर तो मैं आपको बताया ना मक्खन मलाई की तरह बहुत स्मूथ हो गया राइड। बाकी मैप सेंसर वाला इशू मुझे रिजॉल्व लग रहा है क्योंकि मैं वर्कशॉप से गाड़ी तकरीबन कुछ 20-25 किलोमीटर चला के लाए हूँ और मुझे लग रहा है कि गाड़ी की जो फ्यूल गेज है उससे पता चल रहा है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर हुई है। बाकी मजीद गाड़ी को चलाएंगे तो फिर मजीद पता चलेगा।